जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े। भूरी आंखों वाली एक हसीन अदाकारा 70 के दशक में जिसकी मासूमियत और मुस्कान के लाखों लोग दीवाने हो गए। जिन्होंने महज 5 साल की उम्र में ही फिल्मों में एंट्री कर अपनी नेचुरल एक्टिंग का लोहा मनवा दिया था। ए, तुम कौन हो? हम आंटी के आटा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी कम उम्र में ही इन्हें फिल्मों में जबरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया और बचपन से जवानी तक की सारी कमाई छीन कर इन्हें पाई पाई का मोहताज बना दिया गया। क्या आपको पता है कि अपने सुपरस्टार प्रेमी के साथ शादी के बगैर ही इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और 2 बेटियों के पैदा होने के बाद इनके उसी सुपरस्टार पति ने इनकी ही बेस्ट फ्रेंड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए इन्हें छोड़ दिया। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, जहाँ तकदीर ले जाए। हकी का लिठा कौन बिठा सकता है? और क्या आप यकीन करेंगे कि माँ और पति के छोड़ने के बाद इनकी दोनों बेटियों ने भी इनके साथ रहने से मना कर दिया और पैसे वाले सुपरस्टार पिता के साथ चली गई। तो कौन थी ये अदाकारा जिसे हर रिश्ते ने दर्द और धोखा दिया, और क्यों सैकड़ों फिल्मों में काम करने और करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद ये एक्ट्रेस पाई पाई की मोहताज हो गई? नहीं, कोई नहीं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की सिंपल और टैलेंटेड एक्ट्रेस सारिका की, और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सारिका ने अपने समय के सभी दिग्गज स्टार्स के साथ काम किया था, कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही और इनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के काफी चर्चे भी रहे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। सारिका का पूरा नाम सारिका ठाकुर था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1960 को दिल्ली के एक मराठी राजपूत परिवार में हुआ था। सारिका की मां का नाम कमल ठाकुर और पिता का नाम दिनेश सावंत था। इनकी मां एक सख्त और लालची महिला के तौर पर जानी जाती थी, तो वहीं पिता सारिका के बचपन में ही अपनी पत्नी और सारिका दोनों को छोड़कर चले गए थे और बाद में दूसरी शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पति के घर छोड़ने के बाद सारिका की मां सारिका को लेकर मुंबई आ गई थी और इन्हें फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिशें करने लगी। कुछ कोशिशों के बाद काम मिल भी गया, क्योंकि सारिका बचपन से ही बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी, और महज 5 साल की उम्र से ही सारिका ने फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। अगर तुम्हारी मम्मी आ जाए तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा। तुम बहुत गंदे, तुम बहुत खराब हो, तुम मुझे छोड़ के कहां गए? फिल्म जानकार बताते हैं कि इनकी माँ के शौक बड़े और ख्वाब नवाबी थे, पर वो खुद मेहनत नहीं करना चाहती थी, तो मासूम बच्ची का इस्तेमाल करना बेहतर लगा। उन्होंने सुन रखा था कि फिल्मों में तब छोटे बच्चों को आसानी से काम मिल जाता था, इसलिए बेटी को सजा धजा कर अलग अलग स्टूडियोज लेकर पहुँच जाती थी। ऐसे में बचपन में ही सारिका के ऊपर जिम्मेदारियों का भारी बोझ आ गया और इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। खैर, चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्हें 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज में काम करने का मौका मिला, जिसमें ये एक्ट्रेस विमी की बेटी बनी थी। लेकिन क्या करूं? मम्मी नहीं आती। मम्मी को बहुत याद करती हूँ। हाँ, बहुत याद करती हूँ। तो वहीं फिल्म मजली दीदी में ये मीना कुमारी की बेटी के तौर पर नजर आई थी। तुमने खाओगे तो माँ भी नहीं खाएगी। तो क्या तेरी माँ ने अभी तक खाना नहीं खाया? कैसी बातें करते हो बाबा, तुम्हारे खाए बिना माँ कभी खाती भी है क्या? इसके बाद सारिका आशीर्वाद, सत्यकाम, बालक, बेटी, छोटी बहू जैसी कई फिल्मों में नजर आई और अपनी अदाकारी और मासूमियत से दर्शकों की खूब तारीफें बटोरी। देखो मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। निकू से भी अच्छा? नहीं, बंदर। तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिखता। हालांकि पैसे कमाने की इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से सारिका बचपन में स्कूल नहीं जा सकी और एक्टिंग के दौरान सेट पर ही किसी तरह कभी थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया करती थी। फिल्मों में ऐसी कुछ जरूरत पड़ी तो माँ ने कुछ समय तक घर में ही ट्यूटर रख दिया जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ा सके, लेकिन स्कूल जाने की इजाज़त नहीं मिली। खाओ मेरी सौगन। तुम्हारी सौगन? गोपी, सौगन टूट जाए तो पता है क्या होता है? क्या होता है?
सौगंध तोड़ने वाला अंधा हो जाता है। बाप रे बाप। बेटी कमाती रही और माँ अपनी अय्याशियाँ पूरी करती रही। बताया जाता है कि सारिका के कमाए हुए पैसों से उनकी माँ ने मुंबई और दिल्ली में कई फ्लैट खरीदे। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट खरीदे गए, मगर इनमें से कोई भी सारिका के नाम पर नहीं था और ना ही ये उसमें नॉमिनी थी। इनका खुद का कमाया सारा पैसा इनकी माँ अपने पास रख लेती थी। बताया जाता है कि जब एक बार सारिका को फिल्म से कुछ पैसे मिले और इन्होंने उसमें से 1500 रुपए खर्च कर कुछ किताबें खरीद ली थी, तो इनकी माँ ने इन्हें बहुत बुरी तरह हिदायत दी कि आगे से सारा पैसा लाकर उनके हाथों में ही दें। आखिरकार माँ के अत्याचारों से तंग आकर सारिका ने घर छोड़ दिया। कुछ दिनों तक ये अपने कार में ही रही, फिर कुछ दिन पृथ्वी थिएटर और कुछ दिन दोस्तों के घर में पनाह लेने के बाद आखिरकार किराए के घर में शिफ्ट हो गईं। हालांकि तब तक सारिका ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी कुछ फिल्में करनी शुरू कर दी थीं और 1975 में आई राज किरण के ऑपोजिट फिल्म कागज की नाव एक हीरोइन के तौर पर इनकी पहली फिल्म रही, जो कि राज किरण की भी पहली फिल्म ही थी। इसी साल फिल्म गीत गाता चल भी रिलीज हुई, जिसमें सचिन के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फिल्मी पर्दे की ये जोड़ी वास्तविक जिंदगी में भी करीब आई, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। वहीं इसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम के तब के कप्तान रहे कपिल देव के साथ भी सारिका के रिश्ते की चर्चा होने लगी थी, पर ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। सत्तर और अस्सी के दशक में सारिका एक मशहूर अभिनेत्री बन चुकी थी। गृह प्रवेश और कत्ल जैसी फिल्मों ने जहां इन्हें एक नई पहचान दिलाई, तो वहीं संजीव कुमार के साथ काम कर इन्होंने एक्टिंग की नई बारीकियां भी सीखी। मैंने सिर्फ अपने डार्लिंग के बारे में सोचा है। आपकी पसंद और नापसंद को अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। सारिका ने श्रीमान श्रीमती, सत्य पे सत्ता, राज तिलक, देवता, जानी दुश्मन और विधाता जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और खूब शोहरत कमाई। सबकी बात तो बताती है गौरी, हाँ, लेकिन खुद की बात नहीं बताती। अरे मेरे मुंह बोले भैया अमर के साथ इसकी जो आंख मिचोली चल रही है ना, वो मुझे साफ पता है। सारिका का फिल्मी सफर अच्छा चल रहा था, तभी 1984 में आई फिल्म राज तिलक की शूटिंग के दौरान सारिका की मुलाकात साउथ के सुपरस्टार एक्टर कमल हसन से हुई। पहले से ही टूटी और तन्हाइयों में जी रही सारिका उनके करीब आ गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने भी तो तुमसे प्यार किया है, और अब अपनी चाहत के दरमियान मैं किसी को दीवार नहीं बनने दूंगी। कुछ समय बाद सारिका और कमल हसन लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और 1986 में सारिका ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया श्रुति हसन। लेकिन तब तक इन दोनों ने शादी नहीं की थी, क्योंकि कमल हसन पहले से शादीशुदा थे और पूर्व पत्नी से तलाक की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। श्रुति के जन्म के 2 साल बाद कमल हसन और सारिका ने 1988 में शादी की। फिर 1991 में इनकी दूसरी बेटी अक्षरा का जन्म हुआ। इसके बाद सारिका ने एक अभिनेत्री के तौर पर फिल्मों में काम करना कम कर दिया और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग पर फोकस करने लगी। 2001 में आई फिल्म हे राम के लिए सारिका ने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। खैर, करीब 16 साल सब कुछ ठीक चला, जिसके बाद पति पत्नी के बीच सारिका के बेस्ट फ्रेंड गौतमी की एंट्री हुई। गौतमी की शादी टूट चुकी थी और वो अक्सर सारिका के घर आकर रहती थी। सारिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनकी सबसे अच्छी दोस्त और इनके पति ही मिलकर इन्हें धोखा देने वाले हैं। आखिरकार जब सारिका को अपने पति के इस नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बुरी तरह टूट गई और खबरों के मुताबिक चेन्नई के अपने फ्लैट के 4th फ्लोर की बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। काफी चोट आई और हड्डी टूट जाने की वजह से 3 महीनों तक सारिका अस्पताल में ही रही। अस्पताल से वापस लौटने के बाद सारिका ने कमल हसन से अलग होने का फैसला कर लिया और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद 16 साल की श्रुति हसन और 13 साल की बेटी अक्षरा हसन ने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया और कोर्ट में कहा कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती हैं। बेटियों ने पैसे वाले पिता कमल हसन का साथ चुना और सारिका एक बार फिर अकेली रह गई और बुरी तरह से टूट गई।
ये खामोशी से मुंबई वापस आ गई और अकेले रहने लगी। हालांकि लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने की वजह से इनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं बचा था। कुछ दिन बेहद गरीबी में गुजरे क्योंकि सारिका ने पहले के कमाए सारे पैसे अपनी बेटियों और अपने परिवार पर खर्च कर दिया था। खैर, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर फिल्मों का रुख किया। सालों तक फिल्मों से दूर रहने के बावजूद 2005 में आई इंग्लिश फिल्म परजानिया में सारिका ने बेहतरीन अभिनय किया और बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद इन्होंने 2007 में आई भेजा फ्राई और मनोरमा 6 फीट अंडर, 2008 में आई ये मेरा इंडिया, 2009 में आई कच्चा लींबू और 2010 में आई सोसाइटी जैसी फिल्मों में काम किया। फिर सारिका ने कुछ बड़ी फिल्मों में भी अभिनय किया, जिनमें 2012 में आई जब तक है जान, 2013 में आई क्लब 60, 2014 में आई पुरानी जीन्स और 2016 में आई फिल्म बार बार देखो शामिल है। आखिरी बार इन्हें 2022 में आई सूरज बड़जात्या डायरेक्टेड फिल्म ऊंचाई में देखा गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी काम किया था। मेरी गलती का पश्चाताप करने का ये मेरा आखिरी मौका है। जब सारिका की जिंदगी पटरी पर लौट आई तो इनकी बेटियों की कुछ तस्वीरें साथ में दिखने लगी जो कि अब इनसे मिलने आया करती हैं। सारिका की दोनों बेटियां श्रुति हसन और अक्षरा हसन भी बाद में अभिनेत्रियां बनी। हालांकि लंबे स्ट्रगल के बावजूद दोनों ही माँ के स्टार्डम को नहीं छू सकी। सारिका की एक बार फिर से हैरान कर देने वाली खबर तब सामने आई जब लॉकडाउन के बाद एक इंटरव्यू में इन्होंने अपने कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि लॉकडाउन के समय इनके पास कोई काम नहीं था और इनके पैसे खत्म हो गए थे, जिससे इन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि महीने में ये मुश्किल से 3,000 रुपए भी नहीं कमा पाती थी और इस वजह से घर के जरूरत के सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया था। सोचिए, 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली और करोड़ों रुपए कमाने वाली एक अदाकारा जिसके पैसे सभी अपनों ने मिलकर लूटे और बुरे वक्त में किसी ने साथ नहीं दिया। हालांकि सारिका ने हर बार खुद को संभाला और अपने जीवन में आगे बढ़ती रही। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से सारिका को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।